कल रात जब शौविक चक्रवर्ती को रिमांड पर लिया गया, कल शाम, उसके बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती ने एक बहुत ही इमोशनल येट वेरी सार्कास्टिक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अ मिडिल क्लास फैमिली हैज़ बिन विलिफाइड, और मेरे बेटे को तो जेल भेज दिया, पता नहीं इसके बाद कौन जाएगा, मे बी माई डॉटर विल गो, एंड एनी थिंग फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस एंड जय हिंद इज़ वॉट ही एंडेड हिज ट्वीट विद. लेकिन इंस्टेड ऑफ getting sympathy for his tweet, a lot of trolling is happening with Indrajit Chakravarti as well. लोग क्या कुछ निकाल के ट्विटर पर डाल रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं और जो नई चीज़ें आई हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ भी. आप जानते हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अक्यूज नेम्ड इन द FIR filed by सुशांत सिंह's father. और जो एक दो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट सामने आई है इस पूरे ट्रोलिंग में, वो उनमें से एक है, एक न्यूज़ चैनल ने जो ब्रॉडकास्ट किया था जिसमें एक चैट दिखाई गई थी जिसमें शौविक चक्रवर्ती इज़ टॉकिंग टू वन ऑफ द सप्लायर्स एंड सेइंग दैट माई डैड ऑल्सो नीड सम माल, और सप्लायर उनको बोलता है, सॉरी ब्रो, मेरा भी ख़त्म हो चुका है, आई विल बी स्कोरिंग टुमारो. स्कोरिंग इज़ अ स्लैंग यूज फॉर गेटिंग ड्रग्स एंड दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेज विच इज़ यूजली यूज इन चैट्स, और ये दिखाया गया था. सो इसके स्क्रीनशॉट्स लेके लोग शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा एक और ऑफकोर्स अनवेरीफाइड अकाउंट से एक ट्वीट आया है जिसमें एक एक्स सेक्युलर मैन करके है, एक्स सेक्युलर कुमार करके हैं, जिन्होंने ये अपने ट्वीट में लिखा है कि रिया चक्रवर्तीज़ फादर वॉज सैक्ड फ्रॉम मिलिट्री हॉस्पिटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आगरा फॉर शोइंग फेक डॉक्यूमेंट्स. ही वॉज ऑल्सो सैक्ड फ्रॉम अ मुंबई स्कूल फॉर फॉर्जिंग डॉक्स. आई नो दिस फैमिली, इट्स अ फैमिली ऑफ क्रूक्स. ऐसा एक अनवेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से लिखा गया. ऑफकोर्स देर इज़ नो वेरीफिकेशन एंड देर इज़ नो जेन्युइनिटी अटैच टू दिस. एज फार एज दिस ट्वीट इज़ कंसर्न, there is nothing to say that this is real, or iska koi proof bhi unhone attach nahi kiya hai. But all I'm trying to explain to you is that there is a lot of trolling that is happening of Indrajit Chakravarti, or of course the industry is now divided in two parts. It was always divided jab se Sushant Singh ka mamla aaya tab se. But on one hand is Kangna Ranaut, jahan par Shivsena ke jo spokesperson hai Sanjay Raut, unhone unke liye haramkhor word use kiya, and all hell broke loose after that. और दूसरी तरफ है रिया चक्रवर्ती का विलिफिकेशन जो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, यू कैनॉट डिनाई दैट. और इसको लेकर बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से आगे आकर बोल रहे हैं अब, इंक्लूडिंग विद्या बालन, ऑफकोर्स दिस स्वरा भास्कर, एंड देर आर लॉट ऑफ अदर वॉइस लाइक गौहर खान. टू मैनी पीपल आर स्पीकिंग अगेंस्ट विलिफिकेशन ऑफ रिया चक्रवर्ती. बट इसके साथ ही जो कंगना रनावत के बारे में बोला गया है, तो उसको लेकर ट्विटर पर ये वॉर चल रहा है कि क्यों कोई आगे नहीं आ रहा है, वाई आर नन ऑफ दिस फेमिनिस्ट कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट वॉट शिवसेना स्पोक्सपर्सन हैज स्पोकन सो इल अबाउट कंगना रनावत. एंड दैट इज़ ऑफकोर्स द बोन ऑफ कंटेंशन एट दिस पॉइंट एंड टाइम, विच इज़ रियली मेकिंग थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द बॉलीवुड टू एक्चुअली से एनीथिंग, बिकॉज द मिनट दे ट्वीट दे आर ईदर ऑन दिस साइड ऑन द अदर साइड. दे इज़ इट्स इम्पॉसिबल टू बी न्यूट्रल इन दिस केस. और कंगना रनावत एज फायर ब्रांड एज शी इज़ ऑलरेडी सेट दैट शी इज़ कमिंग डाउन टू मुंबई ऑन सेप्टेम्बर 9, जिसके बाप में जो दम हो करके दिखा दे. सो दिस इज़ वेर इट ऑल स्टैंड एज ऑफ नाउ. विच साइड आर यू ऑन? वॉट आर योर थाट्स? प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.